देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेपाल के काठमांडू में प्लेन क्रैश होने से करीब 18 लोगों की मौत हो गई। अपडेट जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि काठमांडू से पोखरा जाने वाली विमान टेक ऑफ के ठीक समय पर विमान क्रैश हो जाता है। क्रैश होते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच जाता है। धुएं की गुब्बारा देख लोगों में डर का माहौल मच जाता है। हालांकि वहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए टीम फौरन पहुंचती है और राहत बचाव कार्य शुरू कर देती है। यह खबर उस समय हुई जब 11 बजे बताया जा रहा है कि 11 बजे का वह वक्त था नेपाल के काठमांडू यानी काठमांडू से पोखरा जाने वाली विमान टेक ऑफ के ठीक समय प्लेन क्रैश हो जाता है और देखते ही देखते मलबा में तब्दील हो जाता है। तस्वीर आपके सामने साफ तौर से देख सकते हैं कि मलबे से किस तरीके से सब को निकाला जा रहा है। राहत बचाव कार्य शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक जो खबरें निकलकर सामने अपडेट खबर आपको हम बता रहे हैं कि इसमें 18 लोगों की मौत हो चुकी है।